क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आज अपन गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने गैर व्यावसायिक संस्थाओं का भुगतान खाता और लाभ हानि खाता पढ़ा था, आय व्यय खाता पढ़ा था। आज अपन बेटा थोड़े से इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्नों को लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। मैंने आपको 11वीं के बच्चों आपको एक बार और बताया था कि ये विषय आपके लिए नया है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आप इसको बुक में एक बार जरूर देखें। तो ये आपका पाठ है गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। गैर व्यावसायिक संस्थाओं के अंतर्गत आपने इसके पहले पढ़ा था आय व्यय खाते से क्या आशय है, आय व्यय क्या होता है। तो आय और व्यय, आय से अधिक ज्ञात प्राप्त करने के लिए जो इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाता बनाती है, आय व्यय खाता कहलाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं एक निर्धारित अवधि में और उसमें आय व्यय से मतलब अधिक अथवा व्यय से अधिक इनसे प्राप्ति के लिए जो खाता बनाती है उसे आय व्यय खाता कहते हैं। उसके बाद है बेटा दान से आप क्या समझते हैं। तो दान क्या होती है, दान वह रकम है जो व्यक्ति संस्थाओं कंपनी उपहार के रूप में आपको मिलता है, मत प्राप्ति के लिए भुगतान पक्ष में लिखा जाता है, इसे आय व्यय खाते में लिखा जाता है। जो दान होता है उसे कौन से खाते में लिखते हैं, आय व्यय खाते में लिखा जाता है। कुछ दान ऐसे होते हैं जिसमें जो प्राकृतिक पर निर्भर होता है जिसे आर्थिक चिट्ठे के रूप में लिखा जाए या फिर आय व्यय खाते में। यह दान निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, विशेष दान मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होते हैं, विशेष दान कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए भवन के लिए दान, इसे पूंजीकृत प्राकृतिक का माना जाना चाहिए और इसे आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में इसको लिखा जाता है। फिर दूसरा है विशेष दान, ये दान दो प्रकार के होते हैं, बड़ी राशि का समान दान, पहला दान हो गया आपका विशेष दान, चुकाए कैसे होता है, भवन के लिए दान पूंजीकृत प्राकृतिक माना जाना चाहिए और इसे काय में लिखते हैं, आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा होता है समान दान, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बड़ी राशि का समान दान, इस स्थिति में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। बड़ी राशि में दान को बार बार मिलने की संभावना कम होती है, जो बड़ी राशि होती है उस दान को बार बार मिलने की संभावना कैसी होती है, कम होती है। फिर छोटी राशि का सामान्य ज्ञान इस आय व्यय खाते में समाकलन पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि छोटी राशि के दान प्रतिवर्ष मिलते रहते हैं, जो आय व्यय खाते में समाकलन पक्ष में इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो आपने ये पढ़ा कि दान क्या होता है और दान के कितने मतलब कितने प्रकार के दान होते हैं। फिर उसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने हिसाब किताब बही खाते और रोकड़ पद्धति के अनुसार रखती है, कोई पांच कारण लिखिए। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब बही खाते लिखने के लिए सबसे पहला होता है सरल प्रणाली, सबसे फर्स्ट है सरल प्रणाली। रोकड़ प्रणाली की यह प्रणाली कैसी है, सरल प्रणाली है, इसमें रोकड़ बही और खाता बही लेखा करना सरलता से सीखा जा सकता है। मतलब जो गैर व्यापारी संस्थाओं के हिसाब किताब बही खाते होते हैं वो प्रणाली सरल है और उससे रोकड़ बही और खाता बही लेखा करना सरल होता है। फिर है शुद्धता की जाँच, हिसाब की शुद्धता से जाँच प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर करते हैं। नगद लेन देन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में नगद लेन देन प्राय होता है, यदि कोई भी उधार देना हो तो उसे अलग से स्मरण बही में लिखा जाता है। तो इसके बाद दूसरा होता है शुद्धता की जांच, हिसाब किताब की शुद्धता की जांच के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। फिर नगद लेन देन में गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेन देन प्राय नगद होते हैं, यदि कोई उधार लेन देन अलग से स्मरण बही में लिखा जाता है।
फिर चौथा है मितवई, प्रणाली के अनुसार अधिक वाहनों को रखने की आवश्यकता नहीं है तथा लेखापाल पर विशेष प्रतिष्ठित होना भी आवश्यक नहीं है, इस कारण व्यय की आवश्यकता होती है, इसे हम कह सकते हैं मितवई गुण। तो ये आपका एक हिसाब किताब वही खाता विवरण के अनुसार गैर व्यापारिक संस्था को मतलब पांच कारण हो गए। तो चौथा कारण है सीमित लेन देन। गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेन देन कैसा होता है? लेन देन प्राय नगद ही होते हैं और लेन देन कैसे होते हैं? सीमित मात्राओं में होते हैं और रोका प्रणाली भी इसके लिए उपयुक्त तो होती है। तो ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब बही खाते की रोकड़ पद्धति के पांच कारण। वो पहला है सरल प्रणाली, दूसरा होता है शुद्धता की जांच, तीसरा है नगद लेन देन और चौथा मितवई प्रणाली, जो वाहनों की आवश्यकताएं और लेखापाल पर विशेष प्रशिक्षण होना भी क्या होता है इसमें आवश्यक है, मितवई के गुण होने चाहिए। फिर है सीमित लेन देन। गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेन देन प्राय नगद होते हैं और लेन देन कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। उसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के प्रमुख स्रोतों के सापेक्ष में लिखिए। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं कैसे चलती हैं, उनमें कौन कौन से स्रोत होते हैं? चंदा, दान, प्रवेश शुल्क, ब्याज, मनोरंजन से आय और किराया। चंदा संस्थाओं को कहाँ से प्राप्त होता है? मुख्य साधन है चंदा, मतलब जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है उनका मुख्य मतलब आय का मुख्य साधन होता है चंदा। संस्था के सदस्य प्रतिमाह प्रतिवर्ष अंशदान के रूप में से क्या करते हैं? प्राप्त होने वाले एक निश्चित धनराशि को ही चंदा कहलाती है। फिर इसके बाद दान। संस्था के सदस्य जो होते हैं आम जनता से समय समय पर धनराशि उनको भेंट या उपहार के रूप में प्राप्त होती रहती है, उसे धनराशि को क्या कहते हैं? दान। और इसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए दान की बड़ी राशि इसे पूंजीगत कहलाती है। फिर उसके बाद होता है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या होता है? प्रवेश शुल्क में ये संस्थाएं किसी भी नए व्यक्ति को अपनी संस्था का सदस्य बनाती है और व्यक्ति से निर्धारित धनराशि भी क्या करती है? वसूल करती है और इसे क्या कहते हैं? प्रवेश शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क प्रत्येक सदस्य को मतलब जो यह शुल्क है वो प्रत्येक सदस्य से केवल एक बार भी लिया जाता है। उसके बाद चौथा ब्याज। तो संस्था द्वारा आय में वृद्धि के लिए अपनी बचत विनियोजन और एक निश्चित समय के लिए ब्याज के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। फिर मनोरंजन से आय। ये संस्थाएं समय समय पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना सामान्य जनता से आय अर्जित करती है। फिर छठवा होता है किराया प्राप्त। तो जो मनोरंजन से जो आय होती है समय समय पर वह अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर तो सामान्य जनता से आय क्या अर्जित करते हैं? आय अर्जित करते हैं, उसे मनोरंजन से आय होती है। फिर किराया प्राप्त। तो संस्था अपने भवन को या किसी भाग को किराए पर देकर एक नियत आय भी क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया अपना गैर प्राप्त मतलब संस्थाएं है जो उनका है। फिर प्राप्ति भुगतान और रोकड़ खाता में अंतर। तो प्राप्ति भुगतान क्या होता है? प्राप्ति भुगतान होता है उसकी अवधि कितनी होती है? यह लेखा वर्ष के अंत में बनाया जाता है और रोकड़ प्रतिदिन बनाया जाता है। फिर तिथि में इसकी लेन देन की प्रवृत्ति तिथि के अनुसार होती है। जो प्राप्ति भुगतान होते हैं उनकी लेन देन की जो स्थिति होती है वह कैसी होती है? तिथिवार होती है और इसमें लेन देन की प्रवृत्ति तिथि के अनुसार की जाती है। जो रोकड़ है उसमें भी लेन देन की प्रविष्टियां तिथि के अनुसार की जाती है और प्राप्ति भुगतान में भी लेन देन की जो प्रविष्टियां होती है वो भी तिथि के अनुसार नहीं की जाती। जो प्राप्ति भुगतान होता है उसमें नहीं की जाती और उसमें तिथि के अनुसार की जाती है। फिर प्राप्ति भुगतान एक गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसमें व्यापारिक संस्था ही बनाती है। जो रोकड़ खाता है वो कौन बनाती है? गैर व्यापारिक संस्था। फिर इसके पक्ष डेबिट पक्ष में प्राप्तियां क्रेडिट पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं। मतलब जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है उसमें डेबिट पक्ष में प्राप्तियां भी लिखी जाती हैं और क्रेडिट पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं।
और इसके बाद इसके बनाए दाएं पत्र ही नहीं होता, तो प्राप्ति भुगतान खाता होता उसमें खाता वही नहीं होता और उसमें खाती वही में लिखा जाता है। तो ये प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ भुगतान खाते में अंतर होता। फिर उसके बाद है आय व्यय एवं लाभ हानि खाता। तो आपको मैंने बताया था आय व्यय खाता बनाया था अपन ने, एक खाता बनाया था भुगतान। तो आय व्यय खाता में और लाभ हानि खाते में क्या अंतर होता है? तो जो आय व्यय खाता होता है संस्था गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है और इसमें व्यापारिक संस्था ही बनाती है। जो लाभ हानि खाता है वो किसे बनाती है? व्यापारिक संस्था बनाती है। फिर आय व्यय का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिक आय का अधिक का दर्शाना और इसका उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि को दर्शाना। फिर उसके बाद होता है आय व्यय का खाते का आधार क्या होता है? इसकी प्राप्ति, इसका जो आधार होता है प्राप्ति तथा भुगतान खाता और समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। इसे तलपट के आधार पर बनाया जाता है। तब जो लाभ हानि खाता होता है उसको काय के आधार पर बनाते हैं, तलपट के आधार पर बनाते हैं और आय व्यय खाता जो होता है वह प्राप्ति भुगतान खाता की योजना के आधार पर बनाया जाता है। फिर इसमें प्रारंभिक शेष, इसमें पिछले वर्ष के मतलब जो पिछले वर्ष में जो आपकी जो पूंजी है या राशि है शेष वर्ष में लेकर बनाया जाता है और इसे सकल लाभ मतलब सकल हानि जो व्यापारिक खाते को दर्शाता है इसके आधार पर इसे क्या करते हैं बनाया जाता। ये हो गया आपका आय व्यय खाते का विवरण हो गया। उसके बाद है बेटा प्राप्ति भुगतान खाते किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। जो प्राप्ति भुगतान खाते हैं जो प्राप्ति भुगतान खाता है वह किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। जो प्राप्ति भुगतान खाता है वह गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। रोकड़ वही में इसका सारांश होता है और ये वित्त वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ की स्थिति का क्या कराता है अपन को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए खाता बनाया जाता है। इसे निश्चित वर्ष में प्राप्त की गई भुगतान की गई पूंजीगत व आगमन मदों पर लिखा जाता है। इन्हें लिखते समय मदें किस वर्ष की हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इस बात का ध्यान देना आवश्यक नहीं है। इसका संबंध नगद प्राप्ति और नगद भुगतान से भी है और ध्यान रखने बात मतलब है क्योंकि इसमें उधार लेन देन के खाते इस खाते में नहीं लिखे जाते। शेष ज्ञात किया जाता है जो ग्राह्य विकार विचलन होता है और स्पष्ट हो जाता है कि प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है एक निश्चित अवधि में आय व्यय को क्या करता है दर्शाता है। पर इसके लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उधार लेन देन इस खाते में नहीं लिखे जाते तथा इस खाते में शेष ज्ञात किया जाता है जो ग्राह्य क्या होते हैं विचलन की तरफ इनको लिखा जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि प्राप्ति भुगतान खाता ना तो एक निश्चित वर्ष की आय व्यय को दर्शाता है और ना इस खाते को ही जो संस्था की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है इसे मतलब आय व्यय में खाते में चिट्ठा बनाया तथा जो इसकी इसकी इस संस्था की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है इसे आय व्यय खाता और चिट्ठा भी बनाया जाता है। ये हो गया बेटा प्राप्ति भुगतान खाते को किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। वर्णन कीजिए तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपको छोटे छोटे प्रश्न हैं बेटा, आप इनको याद करोगे और इनकी तैयारी करोगे। धन्यवाद बच्चों।